तो अभी हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड यानी कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स। अब इसमें हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसका बॉन्ड का कितना स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे हम अल्काइल हैलाइड्स को डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अगर कंसीडर किया मिथाइल फ्लोराइड, तो इसी तरह से अगर एफ की जगह मैं उसको यहाँ पे क्लोरीन डालूँ, ब्रोमीन डालूँ, आयोडीन डालूँ, तो इसमें ऐसा रहेगा कि ये जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो sp3 ऑर्बिटल में ओवरलैप होके होएगा। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो sp3 ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की वजह से होगा। अब ये sp3 ऑर्बिटल्स यानी कि ये इसके डिटेल में जाने के लिए हमें इसका केमिस्ट्री पार्ट वन में हम इसके बारे में जानेंगे कि s ऑर्बिटल में क्या होता है, p ऑर्बिटल में क्या होता है और ये 3 का मतलब क्या होता है। अभी हमें सिर्फ बेसिकली ये याद रखना है कि ये sp3 ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के ज़रिए ये बॉन्ड फॉर्म होता है और इस बॉन्ड का नेचर रहेगा पोलार बॉन्ड। पोलार बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पोलार में ऐसा होता है कि एक साइड जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है और दूसरा जो है वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है। अगर हम हैलोजन्स को कंसिडर करें तो हैलोजन प्रेजेंट है ग्रुप 17 में। हैलोजन्स प्रेजेंट है ग्रुप 17 में विच इज द हाई और उनके पास सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है। तो इसमें अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ऊपर से नीचे तक जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब ये डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर अगर हम कॉलम में देखेंगे पीरियोडिक टेबल के, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब उसका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होएगा तो जो बॉन्ड लेंथ रहेगा वो बॉन्ड लेंथ और बड़ा होगा, और अगर लेंथ बड़ा होएगा तो जितना लेंथ बड़ा होएगा उतना वो बॉन्ड वीक फॉर्म होगा। तो इसीलिए फ्लोरीन को हम हाई सबसे इस पीरियोडिक टेबल में ऐसा हैलोजन एटम है जिसका सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बिकॉज फ्लोरीन सब साइज में सबसे छोटा है, और साइज का अगर देखा जाए तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। साइज जैसा जैसा बढ़ेगा जैसा जैसा साइज बढ़ेगा उसी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका रिवर्स में जाएगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। साइज बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, साइज छोटा होएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। इसीलिए अगर हम मिथाइल फ्लोराइड लेते हैं तो मिथाइल फ्लोराइड में जो भी उसका मॉलिक्यूल का साइज होगा वो कंपैरेटिवली बाकी के कंपैरिजन में सबसे छोटा रहेगा। तो इसीलिए हम ये जो मॉलिक्यूल है उसका साइज सबसे छोटा रहेगा, और अगर जितना छोटा है तो उतना उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि पोलार बॉन्ड डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम्स पे, और पोलार बॉन्ड इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अब ये फाइनली हम इसे देख रहे हैं कि जैसे मिथाइल फ्लोराइड है
वैसे ही हमने कंसीडर किया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो इसमें जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा वो रहेगा मिथाइल फ्लोराइड, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और सबसे लास्ट में आता है मिथाइल आयोडाइड। तो इसी तरीके से हमने आज जाना कि ये जो बॉन्ड नेचर ऑफ द कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है वो डिपेंड करता है इसकी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, और इसी के ज़रिए हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रांग है, कौन सा मॉलिक्यूल वीक है।